औरंगाबाद रफीगंज प्रखंड के ठाकुरार गांव में 13 मई को हुई पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के मामले में पिता राजाराम शर्मा एवं पुत्र पवन शर्मा घायल हो गए थे। घायलों का इलाज रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। पवन शर्मा को गंभीर हालत देखते हुए गया मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया था। गया के बाद पटना PMCH में इलाज के दौरान मंगलवार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायल राजाराम शर्मा ने गांव के ही कमलेश शर्मा, रंजीत शर्मा, सेठ शर्मा, पिंडू शर्मा, राहुल शर्मा, राजू शर्मा, सौरभ कुमार, विमला, विमल शर्मा, रंजन शर्मा, अनिल शर्मा, अरुण शर्मा, अनुज शर्मा, चंदन कुमार, आकृति कुमार को नामजद आरोपी बनाए थे। 13 मई बुधवार की रात्रि में गांव के तिलक में लड़का पवन शर्मा शामिल होने गया था। हल्ला गुल्ला सुनने पर गांव के उक्त लोगों द्वारा मारपीट कर रहे थे। मारपीट के क्रम में लड़का बेहोशी की हालत में गिर गया। तुरंत आनन फानन में CSC में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गया मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया था। मृतक के पिता ने बताया कि गया के बाद पटना PMCH मंगलवार को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार भगत ने बताया कि ठाकुरार गांव में 13 मई की रात्रि में मारपीट की घटना हुई थी। पटना के PMCH में इलाज के दौरान पवन शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। PMCH में ही पोस्टमार्टम करार कर मृत शरीर को परिजनों को सौंप दिया गया, जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद से विनय प्रसाद साहू की रिपोर्ट, प्राइम इटी न्यूज। खुला घूम रहा है, कल इसका छोटा भाई कभी मारेगा तो जिम्मेदार रफीगंज। क्यों सड़क जाम किए हैं यहाँ पर? ये है सर, इधर आओ, ये देखिए, इसी का पिताजी मरे हैं। इसका पिताजी मरे हैं, इसका अमर नाम है पवन शर्मा, इसका पिताजी का नाम है। ये थाना अध्यक्ष मुकेश साहब है और एक और जो पीछे के साइड में, आप लोग जगह दीजिए, एक मिनट प्लीज सर, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ठीक है? हम लोग कोई गलत हुआ नहीं है। आप भी मुकेश साहब का ये कहना है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर मीडिया वाले मांगेंगे तो मैं दूंगा, बाकी मैं करने गए थे। एक बोलते हैं कि आंधी तूफान में मुजरिम को मैं नहीं पकड़ सकता, इनसे पूछा जाए, यहीं पे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या हुआ था, क्या हुआ था, पहले मुजरिम था, जो मुजरिम था उसको पुलिस प्रशासन आके बोल रही थी कि हमसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जो भी मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरे को लोकेशन पता लगा, मैं पकड़ने गया, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा है, हम पकड़ के आपको हवाले कर देते हैं। 10 बजे तक के टहलाया गया, उसका रिकॉर्डिंग है। ये पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है कि आप लोग क्यों पकड़िएगा, हम पकड़ रहे हैं, जब सुबह में मैं पूछ रहा हूँ कि सर वो मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा गया, तो ये थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मुकेश साहब जो है, इन्होंने क्या बताया कि भाई आंधी तूफान था, इस वजह से हमने नहीं पकड़ पाया। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक गरीब एक अनाथ बच्चा के लिए, किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? विवाद इसीलिए हुआ था कि जो लड़का, वो जो मारने वाले थे, वो गांव का सबसे दबंग आदमी है, उनका रफीगंज में एक मकान भी नया बना है। उनका कहना यह है कि गांव के अंदर जो हस्ती है ना बोलवाला, वो मेरा रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। अब ये बताइए, अनाथ बच्चा को कौन देखेगा? अब उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को हम पैसा पे खरीद लेंगे। मृतक के आप कौन हुए? मैं उसका बहनोई हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय को न्याय दिला दो, नहीं तो हमारे को भी गोली मार दो, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रंजन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोरी का रहने वाला हूँ। थाना, बाकी हम कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। अगर प्रशासन न्याय नहीं देगी तो मैं एक बेल्ट फोर्स के नाते मैं इसको CM हाउस में ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। डायरेक्ट मैं पटना ले जाऊंगा बॉडी को। अगर ऐसे न्याय मिलेगा तो ठीक है। थाना अध्यक्ष महोदय का यह कहना है कि बारिश और बरसात में हम देखिए भीग रहे, ये देखिए हम खुद दिल्ली से आए। इनका कहना यह है कि भाई हम बारिश और उसमें आंधी तूफान में मुजरिम को नहीं पकड़ते। किससे फोन से बात हुई थी और कौन बोले थे, क्या बोले थे, किस प्रशासन से आप? मुकेश साहब यहाँ पे, इनकी तरफ आप कैमरा करें। हमसे नहीं बात हुई थी सर, अभी आपने क्या कहा?